हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम प्रॉब्लम लगाने जा रहे हैं। दो प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि बेस्ड हैं ऑन स्ट्रीम फंक्शन पे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने स्ट्रीम फंक्शन का थ्योरी पार्ट एनालाइज किया था, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्ट्रीम फंक्शन हमें दिया हुआ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको वेलोसिटी फंक्शन के न्यूमेरिकल में बताया था, सबसे पहले तो आपको स्ट्रीम फंक्शन के लिए भी वही चीज़ बताता हूँ। स्ट्रीम फंक्शन का अगर हमारा शाई कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है और हम जानते हैं स्ट्रीम फंक्शन हमारा सिर्फ टू डायमेंशन पे ही काम करता है। अगर हमें यू चाहिए, वेलोसिटी यू चाहिए, तो उसके लिए हमें जो फंक्शन दिया है उसको वाई के रिप्रेजेंट में, y के टर्म में हमें डिफरेंशिएट करके उस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और अगर हमें v चाहिए तो फंक्शन को x के टर्म में सिंपली क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो हमें वेलोसिटी v मिलता है। ऐसा होता है, ठीक है। सॉल्यूशन वन, अब तो शायद आप खुद ही लगा लोगे, ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत इजी है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें शाई दिया हुआ है, डेट इज 5x माइनस 6y दिया हुआ है। अब देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी कंपोनेंट एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं u के लिए क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल है। सबसे पहले तो हम इस राई को x के टर्म में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। x के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो 5, क्योंकि x 5 आया, y का टर्म 0 हो गया। और शाई को x x हो गया, y के टर्म में जब आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो आपका आएगा -6। ठीक है, ये हो गया दोनों। अब ध्यान देना, हम जानते हैं अभी हम बताया u इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस ऑफ डेल शाई अपॉन डेल x, डेल वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम फंक्शन। देयरफॉर डेल फाई अपॉन डेल वाई -6 है और ये माइनस ये हो जाएगा हमारा 6। और हम जानते हैं v इज इक्वल टू डेल शाई अपॉन डेल एक्स होता है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना है, 5, तो हमारा कितना हो गया 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख लें। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है, विच इज इक्वल टू यू कितना है 6 है प्लस वी कितना है 5 है। तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्स 7.81 यूनिट पर सेकेंड, क्योंकि कोई यूनिट दिया नहीं है, इसलिए मीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड को यूनिट नहीं दिया, इसलिए हम डायरेक्ट इसको यूनिट पर सेकेंड लिख के चल रहे हैं। ठीक है, नाउ ये तो हमारा निकल गया मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेन फाइव इज इक्वल टू या टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है, which is equal to 5 upon 6 which is equal to 0.833, or phi is equal to 10 inverse 0.833, therefore phi is equal to 39 degree 48 minute। ये आप अपने कैलसी से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। पहले ये हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, सबसे पहले तो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाला, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिया रिजल्टेंट से, देन ये दिस इज डायरेक्शन, कितने थीटे पे हमारा टिल्ट है। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल अब हम देखने जा रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है, इफ फाई इज इक्वल टू दिस, डिटरमाइन द वेलोसिटी एट पॉइंट 4 और 5 पे। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन शाई एट द पॉइंट पी। वाओ, पहले तो देखो पॉइंट पी पे हमें यू वी निकाल लेना है, जैसे हमने अभी जिस निकाला सेम टू सेम। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें फाई को शाई में चेंज करना है। तो आया मजा,
ये देखो ये इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसे करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स टू वाई माइनस वन। तो फाई को एक बार हम एक्स के टर्म में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये हो जाएगा टू वाई माइनस वन, और एक बार वाई के टर्म में कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स, ठीक है। और हम जानते हैं यू के लिए अगर हम वेलोसिटी, फाई किसके टर्म में आता है, वेलोसिटी पोटेंशियल में, तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, विच मीन्स क्या हो जाएगा, ये उल्टा होके वन माइनस टू वाई हो सकता है, लिख सकते हैं। और वी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई होता है, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है। एट पॉइंट पी पे निकालना है जो कि फोर और फाइव दिया हुआ है, तो यू हो जाएगा हमारा वन माइनस टू इंटू फाइव, और वी हो जाएगा माइनस टू इंटू फोर विच मीन्स माइनस नाइन विच मीन्स माइनस एट, ठीक है, ये भी हो गया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पी पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये जो यू स्क्वायर यू आया और वी आया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करें तो आपका आ जाएगा 12.04। यूनिट दिया नहीं इसलिए यूनिट पर सेकेंड ले रहे थे, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही होता है, तो मीटर हम क्यों लिखें भाई, जो दिया ही नहीं इसलिए हम यूनिट पर सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब सेकेंड केस ये है, वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन शाई एट पी। अब हमें फाई को, जो हमारा फाई है, उसको शाई के टर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज कर रहे हैं, देखो डेल शाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस यू होता है, ठीक है। और यू हमारा कितना आया है, वन माइनस टू वाई, तो इसे माइनस ऑफ वन माइनस टू वाई लिख सकते हैं, और इसे टू वाई माइनस वन भी लिख सकते हैं, चेंज हो जाएगा। और डेल शाई अपॉन डेल एक्स हमारा होता है, इन स्ट्रीम फंक्शन चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ये होता है वी, तो वी हमारा कितना दिया, माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स, ठीक है, ये दो हो गया। अब देखो क्या करना है, किसी एक को पकड़ लो, जैसे हम इसको पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, इस इक्वेशन को पकड़ ले रहे हैं, इस इक्वेशन वन ले लेते हैं, इस इक्वेशन टू ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से डेल शाई इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन डेल वाई लिख सकते हैं। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा शाई विच इज इक्वल टू, ये फिर जब इंटीग्रेट करने साइन बढ़ाओगे तो ये डेल से ये डी शाई अपॉन डी वाई हो जाएगा, ठीक है। मैं स्टेप यहाँ खा गया, अगला स्टेप चालू कर दिया हूँ डायरेक्ट, समझदार हो आप लोग, समझ रहे होगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के, के इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये आया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हम निकाल तो ली, बस एक के जो टर्म है ना, एक के टर्म हमें प्रॉब्लम दे रहा है, एट पॉइंट पी पे, पॉइंट पी हमें फोर और फाइव कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मींस एक्स फोर है और वाई फाइव है दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ वाई की जगह फाइव पुट कर दे तो हमारा शाई की डायरेक्ट निकल जाए, बट ये जो के दिया ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हमें, कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम एक्स वाई दिया था जीरो जीरो करके, जीरो जीरो करना है इसको, और ये के कांस्टेंट रहेगा, तो एक काम करते हैं इसको एक्स के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल शाई अपॉन डेल एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो प्लस डेल के अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, तो डेल शाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एक्स हो गया। अब देखो डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स, यहाँ देखो डेल शाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वी और माइनस टू एक्स दिया हुआ है, दिस मीन्स डेल के अपॉन डेल एक्स को माइनस टू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस। अब देखो अब के निकालना है हमें, तो एक काम करते हैं इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, जब इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में
ये इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर, के इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। नाउ अब जो आपका आया था, क्या आया था, शाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के था, तो के की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर दें, ठीक है। अब एट पॉइंट पी पे जैसा कोऑर्डिनेट 4 और 5 था, वहाँ पे हमें शाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो शाई इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो शाई आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है। आया, इजी था, ऐसे ही बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल बनते हैं। अब इस दो टॉपिक का हमारा न्यूमेरिकल एक्चुअली खत्म हो गया है। अब एक रोटेशन कंपोनेंट, और जो हाँ रोटेशन टाइप्स ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा रोटेशन, उस पर कुछ दो तीन न्यूमेरिकल हैं वो हम देखते हैं, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।